जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है एमपी पुलिस स्टूडेंट के लिए, जो कि काफी लंबे समय से फिजिकल कर रहे हैं और फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे हैं, कब फिजिकल डेट आएगी, कब हम फिजिकल देंगे और कब हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा और कब आखिरकार हमें वर्दी मिलेगी। तो एमपी पुलिस स्टूडेंट के लिए आज वैसे 4 तारीख है, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और ये फिजिकल की जो न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफी ज्यादा आपको निराश करने वाली है, क्योंकि बैड न्यूज हम मान सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोग फिजिकल कर रहे हैं और हमें एक उम्मीद थी कि जून जुलाई के अंदर हमारा फिजिकल हो जाएगा और हमें फिजिकल देने का मौका मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आए हुए काफी टाइम हो गया है और लगभग 1 साल भर्ती को कम्प्लीट होने को आए हैं। और आज अगर आप लोग 4 तारीख का दैनिक भास्कर उठाएंगे तो ये न्यूज उसके अंदर आपको अपडेट देखने को मिलेगी कि जो फिजिकल है उसके लिए आपको और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा और अभी आपका फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 15 जून से बारिश स्टार्ट होती है और जुलाई तक अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो जाती है, उसके चलते ग्राउंड गीले हो जाएंगे, ग्राउंड गीले अगर हो जाते हैं तो आपका फिजिकल लेना पॉसिबल नहीं है। और रोड के अंदर अगर फिजिकल होता है तो उसमें आपको पता है टाइम अप डाउन होता है और बहुत सारी चीजें रहती है जहां पर आपका फिजिकल नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 50,000 बच्चे फिजिकल देने वाले हैं एमपी पुलिस का। 10 ग्राउंड पर आपका फिजिकल होगा पर डे, जितने स्टूडेंट, जैसे 200 स्टूडेंट का बोला गया 200 स्टूडेंट का फिजिकल होगा। बाकी आज का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसके अंदर क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि सितंबर अक्टूबर के पहले आपका फिजिकल नहीं होगा और भी आपको अभी 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको फिजिकल डेट मिलेगी और आप लोग फिजिकल देने का आपको मौका वहां पर मिलेगा। तो काफी लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे थे जो फिजिकल कर रहे थे, फिर बंद कर दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर एक उम्मीद थी कि चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो जून जुलाई के अंदर फिजिकल हो सकता है, तो अब फिर आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा और काफी ज्यादा इंतजार हो गया है, क्योंकि लगभग 1.5 साल में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा क्लियर देके रखा है कितने बच्चे जाने वाले हैं, कैसे आपका फिजिकल होगा, सितंबर अक्टूबर में आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। तो अभी आपको फिर सामने क्लियर है कि आपको 2-3 महीने का वेट करना है और उसके बाद ही आप लोग फिजिकल दे पाएंगे। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि फिजिकल डेट आने वाली है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग फिजिकल दे पाएंगे। और इसके लिए अब आपको आगे का क्या प्लान है आपका, आपको आगे क्या करना है, किसी दूसरे एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग लग जाइए और अपने फिजिकल आप लोग करते आ रहे हैं तो उसको कैसे भी करके आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, एक टाइम जैसे भी आपको करना है तो आप लोग करते रहिए और जो भी आपका टारगेट नेक्स्ट उसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से पहले आपका फिजिकल होने वाला नहीं है, उसके लिए और भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ न्यूज अगर आपको जानना है, अपडेट आपको जानना है, तो आप लोग दैनिक भास्कर उठाइए और पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर की कटिंग में इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।